झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सह मुख्यमंत्री प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने सीबीआई की पूछताछ के बाद उन्होंने प्रेस को बताया कि सीबीआई ने नोटिस देकर उन्हें बुलाया था, जिसके बाद सशरीर उपस्थित होकर सीबीआई के द्वारा पूछे गए सभी सवालों का उन्होंने बेखौफ और ईमानदारी पूर्वक जवाब दिया और आगे सीबीआई जो भी सवाल करेगी उसका जवाब देंगे और जहां बुलाएगी वहां जाएंगे। जो भी सीबीआई को मदद की जरूरत पड़ेगी वो करने के लिए तैयार हैं। पंकज मिश्रा ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि पीड़ित आदिवासी परिवार को न्याय मिले। न्याय के पक्ष में हमेशा उनका समर्थन है। ये भी उन्होंने कहा कि इसके पहले भी उन्होंने इस मामले की सीबीआई या उससे भी बड़ी किसी एजेंसी से जांच कराने की बात कही थी। जांच हो रही है और उनकी चाहत है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, उस परिवार को भी न्याय मिले और उन्हें भी न्याय मिले। इस तरह के झूठे केस में उन्हें बदनाम करने की साजिश विपक्ष की हो रही है ताकि विपक्ष की बोलती बंद हो जाए। कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और जानबूझकर प्रताड़ित करने का काम करवा रही है, इससे डरने और झुकने वाला कोई नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि आंदोलन से उपजे हुए हैं और जब अलग राज्य लड़कर ले सकते हैं तो हमेशा सत्य और न्याय के साथ चलने वाले हैं। इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सच सबके सामने आ जाएगा। बुलाए थे नोटिस देकर और हम सशरीर उपस्थित हुए, हमसे जो भी सवाल पूछे गए हमने ईमानदारी पूर्वक सारे सवालों के जवाब दिया और आगे जो भी मदद इन लोग मांगेंगे जहाँ भी पूछताछ के लिए पुनः बुलाते हैं तो हम जाने के लिए तैयार हैं। मेरा पूरा पूरा सहयोग रहेगा, चूँकि हम भी चाहते हैं कि एक पीड़ित आदिवासी परिवार को न्याय मिले और न्याय के पक्ष में हम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इसके पहले भी 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला था कि इसकी एक सीबीआई जांच करा लिया या उससे भी कोई बड़ी एजेंसी है तो उसे जांच करा लिया जाए। ये जांच हो रहा है और मेरे ऊपर भी जो आरोप लगे हैं तो हम भी चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो और उस परिवार को भी न्याय मिले और मुझे भी न्याय मिले कि इस तरह के झूठे केस में मुझे बदनाम करने की जो साहित्य विपक्ष का हो रहा है उस पर उन लोगों का, विपक्ष का बोलती बंद हो। तो भैया विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए आपको इस तरह से परेशान करने की? देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष जानबूझकर प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। हम लोग आंदोलनकारी से उपजे हुए हैं, हम अलग राज अगर लड़कर ले सकते हैं तो हर हमेशा सत्य के साथ और न्याय के साथ रहने वाले हम व्यक्ति हैं और सत्य और न्याय के साथ रहेंगे। जीत तक आखिर में सत्य की, जीत आखिर सत्य की होगी, न्याय की होगी और इस केस में भी दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द ही सामने आएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।